सभी युवा साथियों, मैं आपके साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ रहा हूं, लेकिन वहां जो माहौल है, जो उत्साह है, जो जुनून है, जो ऊर्जा है, उसको मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। आज ओडिशा में नया इतिहास बना है। भारत के इतिहास में पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत आज से ही हो रही है। ये भारत के खेल इतिहास में ऐतिहासिक पड़ाव तो है ही, भारत के खेलों के भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है। आज भारत दुनिया के उन देशों की लीग में शामिल हो गया है जहां इस स्तर पर यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होता है। ओडिशा की जनता और वहां की सरकार को इस आयोजन के लिए और देश भर से आए 3000 से अधिक युवा खिलाड़ियों को इन गेम्स के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आने वाले दिनों में आपके सामने लक्ष्य 200 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने का तो है ही, उससे भी अहम आपके अपने प्रदर्शन में सुधार, आपके खुद के सामर्थ्य को नई ऊंचाई देना है। भुवनेश्वर में आप एक दूसरे से तो कंपीट कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है आप खुद से भी कंपीट कर रहे हैं। याद रखिए, भुवनेश्वर में किया गया आपका परिश्रम आपके सपनों को, आपके परिवार के सपनों को और भारत के सपनों को आगे बढ़ाएगा। आपके सामने इस समारोह की टॉर्च बेयरर दुति चंद जी जैसे अनेक प्रेरक व्यक्तित्व है। आप मेडल भी जीते और देश को फिटनेस के लिए प्रेरित भी करें, इसी भाव के साथ आप सबको मैदान में उतरना है। साथियों, आज का ये दिन सिर्फ एक टूर्नामेंट का आरंभ मात्र नहीं है, बल्कि भारत में खेल आंदोलन के अगले चरण की शुरुआत है। खेलो इंडिया अभियान ने देश के कोने कोने में खेलों के प्रति आकर्षण और युवा टैलेंट की पहचान में बहुत अहम भूमिका निभाई है। स्कूली बच्चों के लिए होने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान को अब एक स्तर आगे बढ़ाते हुए यूनिवर्सिटी लेवल के लिए इसे शुरू किया गया है। खेलो इंडिया अभियान से देश में क्या परिवर्तन आया है, ये गुवाहाटी में पिछले महीने देखने को मिला है। साथियों, साल 2018 में जब खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत हुई थी, तब इसमें 3500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन महज 3 वर्षों में खिलाड़ियों की संख्या वहां से बढ़कर के 6000 से भी अधिक हो गई है, यानी लगभग डबल, दोगुनी।
सिर्फ संख्या ही नहीं बढ़ रही, खेल और खिलाड़ियों का स्तर, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्तर, इन सभी विषयों पर निरंतर सुधार हो रहा है। इस साल खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स में 80 रिकॉर्ड टूटे, जिनमें से 56 रिकॉर्ड 80 में से 56 रिकॉर्ड हमारी बेटियों के नाम रहे हैं। हमारी बेटियों ने जीते हैं, बेटियों ने कमाल की है, और मैं देख रहा हूं कि स्टेडियम में बेटियों की तालियों की गूंज बहुत तेज हो रही है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस अभियान के तहत जो प्रतिभा ऊपर आ रही है, वो बड़े बड़े शहर की, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की नहीं है, छोटे छोटे शहरों के बच्चे हैं, गरीब घरों के, टीयर टू टीयर थ्री शहरों के सामान्य परिवार से आने वाले बच्चों ने आज कमाल करके दिखाया है, देश के लिए नई आशा पैदा की है। ये वो जो टैलेंट है, कभी संसाधनों के अभाव में, एक्सपोजर के अभाव में आगे बढ़ने का उन्हें मौका नहीं मिलता था। अब इस टैलेंट को संसाधन भी मिल रहे हैं और कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्तर का ये एक्सपोजर भी मिल रहा है। साथियों, बीते 5-6 वर्षों से भारत में स्पोर्ट्स के प्रमोशन और पार्टिसिपेशन के लिए लगातार बड़ी निष्ठा के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। टैलेंट की पहचान हो, ट्रेनिंग हो या फिर चयन प्रक्रिया हो, हर तरफ, हर स्टेज पर ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जा रहा है। इसका परिणाम अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत के प्रदर्शन में भी आज हमारे लोग, हमारे नौजवान कुछ न कुछ कर दिखा रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है। खेलो इंडिया अभियान तो युवा टैलेंट की पहचान का एक बहुत बड़ा माध्यम बना है। इसमें चुने गए युवा, ये हमारे खिलाड़ी को हर वर्ष लगभग 6.25 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है। इसके अलावा इनको देश की 100 से अधिक एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है। अभी तक करीब 3000 ऐसे खिलाड़ियों का चयन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। हाल में एक खेलो इंडिया मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की गई है, और मैं यहां जितने हमारे नौजवान हैं उनसे मैं जरूर आग्रह करूंगा कि आप भी भले खेल खेलते हो या न खेलते हो, खेलो इंडिया ऐप को तो जरूर अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और खेल जगत में, हिंदुस्तान में कौन क्या कर रहा है, उसकी जानकारी जरूर रखिए। इसी तरह ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तर के मुकाबलों के लिए तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत अभी देश के करीब 100 शीर्ष एथलीट को सहायता दी जा रही है। साथियों, ये वो खिलाड़ी है जो टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए संभावित है। इस योजना का लाभ पाने वाले खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, एशियन पैरा गेम्स, यूथ ओलंपिक्स। निरंतर न्यूज अपडेट कोसम चैनल नो सब्सक्राइब चेंडी, पक्कने उंडे बेल सिंबल नो क्लिक चेडम मर्चिपोकंडी, अपडेट्स नी मिस अवकंडी। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो ऑन फेसबुक।
Facebook, Google Plus, Twitter, Instagram. For more updates, please subscribe Great Telangana TV.